दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। जिंदगी के जंग को लगातार लोग हार रहे हैं। मौत तेजी से लोगों को छू रही है, वहीं दूसरी ओर लोग जिंदगी खरीदने के जद्दोजहद में लगे हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस कोरोना के महामारी में लोग जहां एक ओर जीने के जद्दोजहद में हैं, ऑक्सीजन खरीद रहे हैं स्वयं जीने के लिए, टेम्पू पर गाड़ियों पर ऑक्सीजन स्वयं लगाकर घूम रहे हैं, अस्पतालों में जगह खोज रहे हैं, बेड खोज रहे हैं, और मौत बिना मांगे आ रही है। लोग अपने गहना जेवर और कपड़े और जमीन और जायदाद बेचकर अपना इलाज कराने में लगे हुए हैं, फिर भी इलाज के बगैर तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। यह कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत ही तेजी से फैल रही है, जो शहर तो शहर, गांव तक को छू दिया, मोहल्लों को छू दिया। लोग एक ओर जहां मान नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार भी दोषी है। सरकार ने बिहार में चुनाव कराया, वर्तमान में 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, भीड़ लाखों की हो रही है, कोरोना की बात दब गई। सरकार की प्राथमिकता है चुनाव कराकर सत्ता पाना। आम जनता अपने जिंदगी को जीने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बिहार के PMCH, IGMS और अन्य अस्पताल जो हैं, सारे अस्पताल के बेड फुल हैं, ऑक्सीजन समाप्त हो गई है, लोग तड़प कर मर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल वाले लूट मचाए हुए हैं और मार जाने के बाद भी पैसा वसूल रहे हैं। एम्बुलेंस वाले अलग लूट रहे हैं। तो यही स्थिति आम लोगों की है। लाखों लाख खर्च होने के बाद भी पेशेंट मर रहे हैं, डॉक्टर से तो पुलिस से तो अस्पताल प्रशासन से लोगों की नोक झोंक होती रहती है, आम बात हो चुकी है। लोग जीने के जद्दोजहद में हैं, मर जाने के बाद परिजन हो हंगामा करने लगते हैं। कई स्थान में परिजनों के साथ डॉक्टर्स बदसलूकी कर रहे हैं, तो गार्ड बदसलूकी कर रहे हैं, तो कई स्थान पर परिजन पुलिस और डॉक्टर्स से बदसलूकी कर रहे हैं। लोग अपने आप से बाहर हो चुके हैं। लोग जीना चाहते हैं मगर जी नहीं पा रहे, क्योंकि बेड की अभाव, डॉक्टर्स की अभाव, नर्स का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव, हर तरह से सरकार फेल हो चुकी है, सरकार हाथ उठा चुकी है। अस्पतालों की बात करें तो वेदांता जैसे अस्पताल ने सरकार के बात को भी मानना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार ने वेदांता अस्पताल को कहा कि कोविड की इलाज करें तो नहीं सुने, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चेयरमैन से आग्रह करते हैं। यह स्थिति है बिहार की। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं। आंकड़े बताते हैं लेकिन वो आंकड़े बताए जाते हैं जो अस्पताल के संपर्क में मौत हो रहा है, लेकिन वो आंकड़े नहीं बताए जा रहे जो गली मोहल्लों में लोगों की मौत हो रही है, प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की मौत हो रही है। मौत तेजी से हो रही है। आज की अगर बात करें तो 12,000 से ऊपर 13,000 लगभग मरीज पाए गए हैं। मरने वाले की संख्या की बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि मरने वाले की संख्या बताना उचित नहीं, इसलिए सरकार के आंकड़े अलग और मरे हैं बहुत ज्यादा, मर रहे हैं तेजी से। उपाय नहीं है,
लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मौत को लोग गले लगा रहे हैं, इसलिए कि व्यवस्था नहीं है। जीवन जीने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं, जिंदगी खरीदने के लिए। अस्पताल के व्यवस्थापक हाथ उठा चुके हैं क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव है। सरकार अंबानी अडानी और टाटा से ऑक्सीजन की मांग कर रही है। भारत को ऑक्सीजन देने के लिए देश के बाहर के देश मदद करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस ने भी मदद करने की बात कही है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत के मेडिकल स्ट्रक्चर क्या है। कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगाई गई है। दिल्ली में एक सप्ताह का अधिक और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने की मांग करी जा रही है। बिहार में शाम रात 9 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू है। दुकानें 6 बजे बंद हो जाती है। कई जिले में अल्टरनेट व्यवस्था करी गई है, लेकिन बिहार की भी हालत बद से बदतर है, क्योंकि बिहार में मेडिकल स्ट्रक्चर बहुत ही खराब स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति में आम लोग करे तो क्या करे। आम लोगों को संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, साबुन से हाथ धोना होगा, दूरी बनानी होगी, भीड़ भाड़ से बचना होगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में ही बिताना होगा। संक्रमण बहुत ही तेज गति से फैल रही है। जितने अधिक जांच हो रहे हैं उतने अधिक संक्रमित पाए जा रहे हैं। हर मोहल्ले गली कूची में संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर बिहार की हो गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, अन्य प्रदेशों की अगर बात करें तो वहां की जो हालात बदतर है, उसी प्रकार बिहार की भी बदतर हालत है। नीतीश कुमार ने अस्थायी तौर पर मेडिकल कर्मी को भर्ती करने की भी घोषणा करी है। कौन जान की बाजी लगावे, यह भी देखने की बात है। एकजुटता से इस बीमारी से लड़ने की बात कही जा रही है। वह पुलिस वाले जो संक्रमित हो रहे हैं, वह पुलिस वाले जो बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो मेडिकल कर्मी जो संक्रमित हो रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इलाज करने वाले ही नहीं बचेंगे तो लोगों का इलाज कहाँ से होगा। मौत को हंस हंस के गले लगाने के अलावे कोई विकल्प अब लोगों के पास बचा नहीं, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा दोषी कि पहली बार जब कोरोना की लहर आई और दूसरी लहर आनी थी तो चुनाव में व्यस्त होने के बजाय मेडिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। बड़े बड़े अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए तैयार करना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करनी चाहिए, नहीं की गई। दवाई की कमी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में लोग जिए तो कैसे जिए। एक और जहां आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हो रही है, एक और जहां व्यापारी का व्यापार ठप पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना रूपी लड़ाई भी आम लोगों को लड़नी है। इस लड़ाई के लड़ने के बाद रिजल्ट क्या होगा, यह कोई नहीं जानते। लड़ाई गंभीर है, लड़ाई जटिल है, लोग लड़ रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, जीने के लिए उपक्रम खरीद रहे हैं, कोशिश जारी है, मौत से जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। लोगों के अंदर में डर भी समा चुका है कि कोरोना कब किसे निगल जाए, कहना मुश्किल है। लोग परहेज कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी चुप्पी साध चुकी है। गांव को बचाने की बात मोदी जी करते हैं, लेकिन गांव तो गांव, शहर भी अब इस कोरोना के चपेट में बुरी तरह आ चुका है। वैक्सीन लगाए जाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। वैक्सीन
कहाँ तक कारगर है यह कहा नहीं जा सकता। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। मैंने आपको यह वीडियो इसलिए दिया कि आप जागें, आप एहतियात बरतें, स्थिति और भी विकट होने वाली है। अभी की स्थिति से बदतर स्थिति आगे आने वाली है, इसलिए अभी से ही सचेत हो जाएं, परहेज कर लें। जिंदगी जीना है, जिंदगी से मोहब्बत है, प्रेम है, तो कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी रखनी होगी। लेकिन आप डर कर बेवजह ऐसे सामग्री का खरीद ना करें जो वर्तमान में मर रहे लोगों को आवश्यकता है। ख्याल रखना होगा, कोशिश करना होगा, सरकार के भरोसे कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप में चेतना लानी होगी, आम लोगों को जगाना होगा कि कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए हम सबों को सजग होना होगा। स्थिति बदतर है, शमशान घाट में जगह नहीं है, लकड़ियां कम पड़ रही है, लकड़ियों का ब्लैक हो रहा है, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लोग अस्पताल के बाहर तड़प कर मर रहे हैं। कई वीडियो हमने दिया और आपने भी देखा होगा। क्यों हम वैसी स्थिति पैदा करें जिससे हमारी मौत हो जाए। हमें बचना होगा, जब तक बच सकते हैं बचना होगा। मौत को खुशी खुशी गले लगाने के बजाय मौत से लड़ना होगा, यानी आपको अपना मनोबल हाई रखना होगा, सकारात्मक सोच के साथ सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। हमें, हम सबको मिलकर सरकार के उन गलतियों को भूलकर मानव जाति को बचाने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। सरकार ने जो किया वो सामने है। हमसे भूल हुई कि हम ऐसे सरकार को चुने जो केवल वादा करती है लेकिन जमीनी काम नहीं होता। तो हम वादा करने वाले पर भरोसा करके भूल किए तो हमें तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अपने परिवार को, समाज को बचाए रखने के लिए सजग होना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा कि रूल्स रेगुलेशंस का पालन करें, वरना आने वाला वक्त अभी से ज्यादा बुरा है। कहा जाता है कि अगले महीने इससे भी तेज गति से कोरोना का प्रकोप तेज होगा, लोग संक्रमित होंगे, उससे भी बचना होगा। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन घंटी दबाकर शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों या मित्रों में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।